भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष पद पर आज सिंपल काटेला की हुई नियुक्ति। आज दमन भाजपा कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल की अध्यक्षता में महिला मोर्चा अध्यक्षा के रूप में सिंपल काटेला के नाम की घोषणा की गई। इस मौके पर दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के संगठन मंत्री विवेक धाड़कर, दमन दीव सांसद लालू भाई पटेल एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने सिंपल काटेला के नाम की घोषणा होने के बाद उन्हें शुभकामनाएं देकर उनका मुंह मीठा कराया। सिंपल काटेला ने बताया कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं सभी महिलाओं को पार्टी में जुड़ने का आह्वान करती हूं और हमें सबको साथ मिलकर चलना है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष के लिए हम लोगों ने सिंपल बैंड अनिल को मैं निवेदन करूंगा कि नियुक्ति पत्र मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का प्रदेश अभियान आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे प्रदेश के महामंत्री से संगठन मंत्री से विवेक धाड़कर एवं हमारे लोक लाली सांसद लालू भाई पटेल एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई का और सारी कमेटी मेंबर का तहे दिल से आभार व्यक्त करूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है महिला मोर्चा की। आप सभी जानते होंगे कि मैं 15 सालों से ये पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और पार्टी के लिए काम करती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा हो या जन कल्याण योजना हो, ऐसे कई सारे लाभार्थी का कार्य हो, वो हमेशा हम करते आए हैं और आगे भी हम जारी रखेंगे ऐसे कार्य। और ये पद की जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो मैं पूरी निष्ठा के साथ उसको निभाऊंगी और आने वाले दिनों में पार्टी को कैसे आगे हम लेके जाएंगे किस तरह से, तो उसके लिए हम सारे दमन क्षेत्र की एवं दीव क्षेत्र की और दादरा नगर हवेली की महिला को हम जोड़ने के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर कहूँगी कि इस पद के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और महिलाओं को आह्वान करूँगी कि आइए जुड़े, हमें आगे बढ़ना है और कुछ करना है। थैंक यू, धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी है, तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी ये जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसमें पूरी विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उस पर खरी उतरने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले आपका क्या प्रयास रहेगा, किस तरह से आप पार्टी को आगे लेके जाएंगे, महिलाओं को किस तरह से आप जोड़ोगे? जिस तरह आप देख रहे हो कि आज प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी सारे स्कीमें जो आई है उसको जन जन तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। जन कल्याण योजना हो या फिर ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिसे हम
हर क्षेत्र में हर जगह पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि यह सिर्फ दमन और दीव क्षेत्र ही नहीं है, दादरा नगर हवेली भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि क्षेत्र भी बहुत काफ़ी बड़ा हुआ है। हमारे लिए काम भी बहुत रहेगा, तो बहुत सारी महिलाओं का हम संपर्क करेंगे, उसको जोड़ेंगे और साथ में हमारी जहाँ कमेटी पहले की है उसको साथ में लेकर ही हम चलेंगे। जो हमारी पहले भी टीम थी उसके साथ हम मिल के जो भी कार्य करना है वो साथ में मिलकर करेंगे। होटल रिवांटा, होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम, एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज। वी हैव एस्थेटिकली डिजाइन कंफर्टेबल एंड यूनिक इंटीरियर इन आवर रूम्स
We have aesthetically designed comfortable and unique interior in restaurant and party hall. लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स। आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो, बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा। एक्सपीरियंस द न्यू लक्जरी विद कंफर्ट एंड क्वालिटी। होटल रिवांटा, 3 बत्ती देवका रोड, नानी दमन। बिजली बचाओ।